जो सुमिरय हनुमंत बलबीरा, हनुमान हनुमान जी और हनुमान चालीसा का स्वास्थ्य समाधान भी है। हनुमान चालीसा की चौपाई नासय रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा तंदुरुस्ती को समर्पित है। कहा जाता है कि जो लोग रोजाना कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, वे तंदुरुस्त जीवन का जाप करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे लिए कोई नई वीडियो में आपके अपने चैनल इट्स नायक म्यूजिक कंपनी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पढ़ते हैं आज के अध्याय की ओर। हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है। राम जब जब भगवान संकट में पड़े, तब तब हनुमान जी संकट मोचक बनकर प्रकट हुए। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बहुत अधिक महत्व है। जब भी हम अंधेरे या सुनसान इलाके से गुजरते हैं, हनुमान जी को याद करना नहीं भूलते। धार्मिक लोग हनुमान चालीसा ईसा मसीह शुरू कर देते हैं। अजीब बात यह है कि जैसे ही हनुमान चालीसा की पढ़ाई शुरू होती है, हमारी डर दूर की बात हो जाती है। हमें नई ऊर्जा परियोजनाएं हैं। हनुमान जी सर्वशक्तिमान और एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका नाम जपने से ही संकटग्रस्त शरीर और मन से दूर हो जाता है। अगर आप मानसिक रूप से टूट फूट से पीड़ित रह रहे हैं, कार्य की अधिकता के कारण आपका मन अस्थिर है, आपके घर परिवार या श्रमिक की कोई समस्या है, तो आपकी समस्या का समाधान हनुमान चालीसा है। इसके पाठ से चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है। धर्मशास्त्रों का यह सिद्धांत है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने पर भय भय संकट या विपत्ति नहीं आती, और यदि आती है तो कष्ट दूर हो जाता है। कहते हैं यदि किसी व्यभक्ति पर शनि के संकट की छाया है तो हनुमान चालीसा के पाठ से शनि का संकट दूर हो जाता है और जीवन में शांति का वास होता है। हनुमान चालीसा की रचना को स्वामी तुलसीदास ने की है। इसमें 3 दोहे और 40 चौपाइयां शामिल हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के जीवन का सार छिपा है, जिसे पढ़ने से जीवन में प्रेरणा और शक्तियां मिलती हैं। हनुमान चालीसा को तुलसीदास का विचार नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह उनकी श्रद्धा और प्रेरणा है। जब औरंगजेब ने तुलसीदास को बंदी बना लिया था, तब अपनी इसी तरह की रचनाओं के जीवित तुलसीदास जी ने बंदी गृह में ही हनुमान चालीसा की रचना की थी। कहते हैं जब हर जगह भटकने के बाद भी शांति और सुख न मिले और संकटों का समाधान न हो, तब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संकट से हनुमान जी की भक्ति ही बच सकती है। जो पहले से ही हनुमान जी की शरण में हैं, वे हनुमान जी की शरण में हैं, ये हनुमान जी की शरण में करते हैं, उनका किसी भी प्रकार का संकट साक्षात्कार नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी की भक्ति को सबसे अधिक बताया गया है। भगवान हनुमान जी की भक्ति सबसे सरल और जल्द ही फल प्रदान करने वाली है। हनुमान की सबसे बड़ी भक्ति हनुमान चालीसा का पाठ है। यह भक्ति हमें न केवल भूत प्रेत से बचाती है, बल्कि यह ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी बचाती है। व्यक्ति रोजाना नियमित रूप से हनुमान चालीसा फायर है, कभी कभी वह संकट में नहीं होता। कहते हैं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी अपने अनुयायियों और धर्म के मार्गदर्शकों की हर मदद पर सहायता करते हैं। हनुमान चालीसा बहुत प्रभावशाली है। इसके सभी चौपाये मंत्र ही हैं। निरंतर जब से ये सीध हो जाता है और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी को उपदेश के लिए सबसे सरल उपाय है हनुमान जी का नित्य पाठ। हनुमान जी की यह स्तुति सबसे सरल और सरल है। यह भी पढ़ें, क्या है आपकी अष्टविनायक की यात्रा? हनुमान चालीसा के लाभ। यदि कोई व्यक्ति बुरा और दिव्य शक्तियों से परेशान है, तो उसे नियमित रूप से प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से उसे पढ़ने से संकट से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपसे पूछताछ में कोई अपराध हो गया है, इसलिए ग्लानि महसूस करते हैं और क्षमा मांगना चाहते हैं, तो चालीसा का पाठ करें। इसका पाठ आपको क्षमा करके आपको अपराध से मुक्त कर देगा। भगवान गणेश की तरह हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा पाठ से मन शांति होती है, तनाव मुक्त हो जाता है। यदि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, विशेष रूप से आपके लिए यात्रा सुखद हो,
ऐसे में हनुमान चालीसा पाठ लेने से वाकाई यात्रा सुरक्षित हो जाती है और यात्रा के दौरान कोई डर नहीं लगता। कहते हैं किसी भी तरह की अभिलाषा होने पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा के पाठ से दैवीय शक्तियां हैं, यह सार्वभौम है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में एक महर्षि हनुमान जी ही जीवित देवता हैं। यह उनके भक्त और आराधकों पर सदैव कृपालु रहते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी होती है। हनुमान जी बुद्धि और बल के ईवालवर हैं। इनका पाठ करने से यह दोनों ही मिलते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से कुटिल व्यक्ति का मन भी अच्छा हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से एकता की भावना का विकास होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक कण दूर हो जाते हैं और मन में सकारात्मकता आ जाती है। हनुमान जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि जहां भी राम कथा होती है वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य मौजूद रहते हैं।